घर में चार बहुएं हैं ना, चारों को दुख अलग अलग है। बोलो री जी जी, सही है कि गलत है? एक बहू कहती है मैं घर में से अकेली जाके पानी चढ़ा दूंगी, तीन तीन का भी दुख मिट जाएगा। गवर्नमेंट बहुत चतुर हो गई है, 10th और 12th का जब एग्जाम लेती है तो पेपर हर बच्चे को अलग अलग आता है। बोलो रे सही है कि गलत है? जितने बच्चे एग्जाम देने बैठते हैं हर बच्चे के पास में एग्जाम का पेपर दूसरा रहेगा। बोलो सही है कि गलत है? आगे वाले के पास जे नंबर का, बी नंबर का, तो उसके पास सी नंबर का, फिर उसके बाद बदल दिए जाते हैं। उसी तरह भगवान परिवार में जितने लोग रहते हैं इनको एक जैसा दुख नहीं देता, कहीं ना कहीं तकलीफ सबकी अलग अलग रहती है। तो सब जब एक तुम्हें तुम्हारा क्वेश्चन पेपर हल करना है, उसको उसका क्वेश्चन पेपर हल करना है। हर समस्या का एक लोटा जल, ये चढ़ाएगी तो इसका क्वेश्चन पेपर हल हो जाएगा, वो चढ़ाएगी उसका हो जाएगा। पेपर जिसके हाथ में है चढ़ा। सब्जेक्ट है गणित, है फिजिक्स, है साइंस, सब कुछ तुम्हारा वही की वही है वही, पर पेपर एक ही है, सब्जेक्ट एक ही है, पर सबके पेपर अलग अलग है। उसी तरह सबका दुख भी अलग अलग है। बस उसको काटने के लिए हमें शिव तत्व तक जाना। दुकान पर भी जा रहे हो, खूब कमाओ, खूब प्रेम से कमाओ, दुकान पर खूब जाओ, खूब काम करो, पर साथ में मेरे महादेव का स्मरण करो। मेरे महादेव का स्मरण बहुत जरूरी।